आ गई बेटा पढ़ के। हाँ मम्मी आ गई। याने मन तो मैं कहूँ मतलब आ छोड़ो। अरे कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे हैं? हम कह रहे हैं हमारा रास्ता छोड़ दो। अरे जा कहाँ? अरे ते तो आओ कहूँ भी जा रहे हैं तो मैं कहूँ मतलब। अरे मतलब निन्याओ का मतलब है निन्याओ का। छोड़ो छोड़ो हम अपने भैया से कह दे यार। तुम्हारे भैया हमारे जेब में रखे रहता है। छोड़ो ए तुम्हारे भैया हमारे जेब में रखे रहता है। बस जे कहते हैं अब माओ के घर के हुनिया देख घर दिखा रहा माए रोक दे रोक लौट के तो आई लौट के आए आज ले रोक आज इधर बैठते हैं चाहिए दो रात बैठ रहा बिल्कुल ठीक है गाड़ी पे बैठ रहा है ठीक है हाँ चलो कहा भाई आ आए लेकिन लौट के आज जब ही आया लाइट चली गई है भाई के है तेरी की। चलो चलो बैठे हैं का होगा क्या? बता दो का होगा बिन्नू तू का होगा रोवे लगी कजूनी तो रो तो है वो कजूनी तुम रोटी खा लो बता दो दे मुई आत्मा कैसे माने बेन तो बिना तो कह रो भी लगी है तो मांग जा तो कहें तो भज्जा है अबे तो भज्जा है कहे पर वही बाई न माओगे दद्दा ने की न माओ मांगते हमारी बहन आ के नहीं थे तो मांग रो नहीं सका ठीक है और कछु होगा हो तो हमें बता हम तो है तो भज्जा जब तक जिंदा है जब तक तो आँच ना आऊँ दे तो वैसे अंतरा कछु होगा तो हंस दे एकदा हंस दे ऐसी मुँह इसी बिना रोज जिना है का होगा तू बता दो दे कजूनी तो वैसे वो जा हम है तेरे हमें राखिया बांधी पता है तो ये रक्षा का वो हमारा काम है को कछु क्या हमें बता जे के भाई ने माओ दद्दा ने माओ कछु तो बता कॉलेज में कछु होगा का तो वैसे पे सांतरा हमें रोटी खा लेने दे का बनाओ तो भाई ने भाजी बनाई थी और इतना पानी पियो अभी भज्जा कैसे बताएं कि मैं दो लाख हमें छेड़ा देते ये बिन्नू हाँ का होगा कछु पता नहीं है जब रोबे लगी ना बताऊ था ना कछु चलो रोटी खा गई है हमें जब मोटा वोटा चलाऊ ने लाइट अभी आई नहीं है तुम एक काम का बिन्नू चले जाओ और जो रोज जेमो जेना कछु हो तो मो बता दे ठीक है तो चले जाओ जब तौलिया ले जाओ मैं का हुआ गा का नहीं होगा रोबे लगी ना बताऊ था ना कछु मुँह तो बता मैं का होगा देखे हले देख आ रही क्या नहीं आई यार तो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो रही है उठा
जा कई बे तो बेना छेड़बे लगे होते गली में को बेहल्ले वा तुलसी छेड़बे लगी जवनिया में रू रही थी का हाँ वहाँ से आई हूँ रोटी देवे सो वहाँ से छेड़ा थुंजा न वहाँ से लगे छेड़बे मैं तो पानी भरा तू इनकी इतनी औकात बढ़ गई कि हमारी बहन का छेड़बे हालत की न करी ये राखी की कसम है जब जला हम तो जब उदयन अपने हाथ अंदर न सजा दे दे तो कई हत्या वाली वहां का वो झगड़ा निपट गया सूच पर निपटा है नमस्ते कैसे साहब एक हल्की समस्या बद गई थी कौन सी समस्या बद गई थी ए, तुम बताओ तो तुम्हारे लोने तो आधी रात है खड़े अपन जो होने अरे साहब कछु नहीं तनक सी बात है तनक एक मोड़ी होनी को रेपे समझा दी हो तुम बात के लाना कहा तो अरे साहब होगा है तुम्हें पता है जवानी की जिसमें सब हो जाए ओका सुबह बात ना का टबक गई निपटाऊ नहीं वजह से बने हम कैसी बात कर रहे हैं जब लक्ष्मी संग दे कैसे ना निपटे सब निपटे हम तो बैठे थे हम यही लाने बैठे तुम्हारे लाने रिपोर्ट लिखो ओए धीरे बोल तो ये को पता नहीं है कि चौकी थाने में ऐसी बात होती है साहब आप धीरे बोलने की बात कर रहे हैं कि गांव के रही साथ मन ने हमारी बहन को रेप करके हत्या कर दी हमारे ने की ना कोई रेप साहब गांव के रही साथ मन के जो लायक है उनके दोस्त ने हमारी बहन को रेप कर दो वो आप पूछ रहे का कर उनने अरे कहां के लायक है की के लायक है साहब आप रिपोर्ट लिखो गांव के जो रहीस हैं उनके लायक तुलसी व हल्ले ने हमारी बेन को रेप करो हत्या कर दी है बटरी उसे मरी अरे बेली कह सकते हैं सो बेली कह सकत कहते भाई में कह सकते हैं सो तुम तो मत वो तो हम कह बे ऐसे है नहीं बहुत रहीस है आत्मन के लायक देख के काम नहीं कह सकत साहब आप रिपोर्ट लिखो उनकी रिपोर्ट लिखो हम कह रहे हैं रिपोर्ट लिखो वहां तो यहाँ पर ही लगेगी उसकी रपूट रपूट साहब उनने करो है वो नहीं कर सकते तू भर आ कर उल्टा के अंदर तेरे रुपए लगा देंगे तेरे को डाल देंगे पीछे आप साहब रपूट ना लिखो नहीं लिखेंगे वो आदमी बहुत सही है आप रपूट ना लिखो नहीं लिखेंगे हम तेरे को डाल देंगे उल्टा तेरे ऊपर केस लगा देंगे क्या ना लिखो रपूट ना लिखो ना लिखेंगे बस हाँ चलो नहीं जरूरत कोई कानून की
अब तो पद हो गया लटने भी मैंने आधी पी डाली ए यार पी हमें दाव चैत नहीं है ठीक है अते पी मतलब है तो कम का के पी दाव पी तो ते टेंशन न ले पी ले ए कैंसर का की टेंशन है ना दे ब्याद अपने हाथ में तन्ने पैसा सब है ते टेंशन न ले बिल्कुल वाओ गो 1.5 लाख रुपया दाओ ऐसो दाओ ऐसो अपना को लड़का ही दे लड़का ही लड़का अरे वो आज है दवाई हम जोगे तुमसे ले कोई टेंशन नहीं करने बना यार चाहे के रुपये लग जाए अरे रुपया की टेंशन ही नहीं है अपन हमें लोग कोले अब सास की फाट में है पूरा से ऐसी ऐसी है ऐसी भेजी है आज हमारी बहन का शांति मिली हुज्जे जब इनकी जान गई पुलिस भी इतनी हरामी हो गई कि पुलिस ने पैसा लेके आज हमारी बहन की रक्षा नहीं करी। अगर कानून बलात्कार इन्हें जा सजा ना दे है तो हाय भैया बस जो ही काम करे। आज हमारी बहन की आत्मा शांति मिल गई और अब जा रहे हम थाने। हमें जो कानून सजा दे वो चाहे वो दे देवे, हमें अब न कोई गम नहीं है। कानून में जो सजा देने हम तैयार है सजा लेने। कानून नहीं समझते भैया की आत्मा है ना बहन की आत्मा है। अब जा रहे हम थाने और जो सजा हमें देने आज कानून का हमें दे देवे। तो नमस्कार भैया, जो वीडियो कैसा लगो आपने देखी कहानी, क्या कहानी कैसी लगी है। और एक जर्रियल कहानी है लेकिन अक्सर जो होते है ऐसा इसलिए जब कहानी बनाई है और बाकी हो सका था कछु जना ना बेकार लगे तो हमने बेकार के पर्वत से तो नहीं बनाई थी क्योंकि हम बेकार लगे लेकिन एक शिक्षा दे के ऐसा नहीं करना बहुत बुरी सजा होते। देखो अपनी बहन दूसरे की बहन शिक्षा के डालने का मतलब ऐसा करने नहीं है अपन करने नहीं है और कानून अपने हाथ में नहीं लेने और कोशिश करने कि हर बहन की रक्षा करें चाहे वह अपनी हो चाहे कोई और की हो। बस जो ही अपना मकसद है तो वीडियो बना देखो और अगर वीडियो अच्छा लगो तो कमेंट में बताओ कि ऐसी और सी कोई कहानी हो तो ज़रूर हम उन्हें बनाएं कोशिश करें। हालांकि जिन तरीका से कहानी बनने थी शायद ना बना पाई हो आपके मन की, बस कोशिश करी है एक सच्चाई दिखावे की। और अगर आप कहाँ तनक मनक लो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करने और कमेंट में बताऊँ कि ऐसी कौन और घटना है जो हम बना सकें आपकी सेवा में। और भैया चैनल का सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब कर दियो, लाइक जरूर कर दियो। हाँ। बहुत मेहनत लगा थे, बहुत मेहनत लगी है और वीडियो में कितने अच्छो लगो जो भी आप कहाँ बताऊँ ने और कहाँ रोबो आओ के हंसबो आओ के फनी लगो के कैसो लगो एक बार जरूर बताऊँ ने। बाकी कोशिश हमने पूरी करी है वीडियो में एक सच्चाई दिखावे की और वीडियो पूरा देखने और सेव भी करने। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जय बुंदेलखंड, जय भारत माता।